लोग यहाँ पे छोटी सी नाली आ गई थी, अब हम लोग यहाँ से कूदने वाले, यहाँ तो जल्दी कूदो। रिवर क्रॉसिंग हो रही गाइस, उधर तो भाई लोग अभी हम लोग अपने खेत जाए थे क्योंकि अपने सभी की फसल कटना चालू हो गई आज से, और अपने साथ थे रुद्र भाई। हेलो करो। हेलो। और चलो अब चल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या मस्त सनसेट हो रहा है। और देखो ये वाले सोयाबीन की खेत की कैसी हत हो गई है, देखिए। और यहाँ पे सोयाबीन अच्छा हुआ है इस वाले खेत का। और यहाँ पे आसपास मकई की खेती हुई है, देखिए यहाँ से, देखिए भाई लोग क्या मस्त पहाड़ देखते हैं, देखिए कैसे ही अपने सोयाबीन हाथों से कट जाएगा हंसियों से। तो उसके बाद थ्रेसर जाएगा, तो थ्रेसर के लिए ब्लॉग्स आएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल बिंदास ब्लॉग्स को। और चलिए अपने खेत जा रहे हैं हम लोग, अब हमारे पड़ोसी खेत, देखिए यहाँ पे भी सोयाबीन बोया गया है और इसमें कुछ नहीं है, ये सब खाली डला था, देखिए सब चारा उग रहा है। क्या होगा, कहाँ यहाँ चले भाई रुद्र, कुछ भी कुछ भी भाई लोग। 80 साल पुराना पीपल का पेड़, भले ही छोटा है लेकिन इसमें आती है 80 चुड़ैलें रहने के लिए रात में, इसीलिए हम लोग यहाँ के आसपास से भी नहीं जाते, रात में तो कभी नहीं जाते। एक बार हमारे रुद्र भाई रात में चले गए थे तो इनको पकड़ लिया, तो फिर सुबह मिले थे, बहुत ही बड़ी मुश्किल। देखिए भाई लोग यहाँ के सारा सोयाबीन कट चुका है, और सनसेट देखिए क्या मस्त हो रहा है भाई लोग, यहाँ का सोयाबीन देखिए पड़ोसी खेत वालों का। अभी हम लोग अपने खेत जा रहे हैं, लगाई थी एक बहुत ही बड़ी ये, और यहाँ से पार कर लिया अपने रुद्र भाई ने, गजा सब रही थी कुछ छोटी सी, यहाँ पे मैं नहीं कूद रही, सांप भी हो सकता है, इसीलिए अच्छे से जाना भैया। हाथ में ले ली, खबी गई थी पहले भी, और अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग के पैर कपड़ा यहाँ से भी बहुत तेज, देखिए इतने कप गए, रिवर क्रॉसिंग हो रही गाइस, उधर इतना पैर चला गया था अभी, देखिए यहाँ तक गीला है मेरा पेंट, देखिए मिट्टी गिर रही है, देखिए बहुत, मतलब 1.5 फीट अंदर पैर धस गया था अभी मेरा मिट्टी में, जे इसको आ रही है बहुत अच्छी क्योंकि अभी मैं मिट्टी में कप चुका था बहुत देर तक। देखो भाई लोग जो है रुद्र को खेत, इनको अभी पूरा सोयाबीन कटेगा, थोड़ी सो बच्चे होते अब जा रहे थे अपने काटने वाले, और अब हम लोग अपने खेत जा रहे हैं, देखो पहुँच ही गए लगभग खेत इतने, और भाई लोग जो है हमारा खेत, इतना सोयाबीन हमारा कट गया है आज से चालू हुआ था कटना, मतलब आज ये बहुत दोबारा का दिन, और आप लोगों को ब्लॉग कुछ दिन बाद मिलेगा, 1-2 दिन बाद। और देखिए सनसेट एकदम हो चुका है, और ये रुद्र भाई का खेत, यहाँ से हमारी मेहर, देखिए इस तरफ है हमारा खेत, और इस तरफ है रुद्र का खेत, और देखिए हमारा पीछे ढब हुआ है, और यहाँ पे अपने रुद्र थे, देखिए यहाँ से अपने इतना कट चुका है सोयाबीन, हमारा सोयाबीन कुछ ऐसा है, और इतना फड़ा है एक पेड़ में, देखिए एक नंबर मस्त सोयाबीन हुआ है। और देखिए भाई लोग हमारे यहाँ के ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे चोरों ने हमारा पूरा टायर काट के ले गए हैं, देखिए यहाँ से आप लोगों को तार नहीं दिखेगा, इतना छोड़ गए हैं, देखिए जो जितना हाथ में आ रहा था, मतलब कि उनके पास एक कटर था ऊपर से काट ले रहे थे, और देखिए इतना छोड़ गए तार, जो बीच का बचाए थे वो सब बेच देंगे वो लोग, और इस डीपी का तेल भी निकाल के लेगा, जो कि ट्रांसफार्मर तेल डलता है ना डीपी का, वो बहुत महंगा आता है, और ये तेल भी निकाल के लेगा, कम से कम 50-60 लीटर था। तो हम लोग जा रहे हैं अपने मछलियों के कुंड, जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे भाई लोग बहुत खतरा है क्योंकि यहाँ पे सांप भी रहते हैं बहुत सारे, रात में आ जाते हैं, निकल जाते हैं यहाँ पे खेतों में, तो इसीलिए हम लोग अभी निकलने वाले हैं घर थोड़ा, और सैर सपाटा कर लें, मछलियाँ देखे मिलती हैं कि नहीं हम लोग को। भाई बहुत मछलियाँ ढूंढी लेकिन मिली नहीं क्योंकि वो भाग गई, साफ पानी में नहीं होती, वो गंदे पानी में होती। जंप लगा रहे हम लोग, देखिए भाई लोग हम लोग जा रहे हैं अपने घर क्योंकि हम लोग ने पूरा सैर सपाटा आप लोगों को दिखा दिया है, तो चलो चलते हैं। और भाई लोग मैं ब्लॉग्स भी डालता हूँ तो उनको भी देखा करिए, उनको भी सपोर्ट दिखाइए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो बिंदास ब्लॉग्स को। फार्मिंग पक्का कारोबार नी जटा दा बस बल्लिए, ओ बल्लिए, फार्मिंग पक्का कारोबार।